तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ सारिम और आज मैं वन के स्पेशल क्यू एन ए करने जा रहा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का, जो आपने वन के सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दिए। एंड गाइस, इस क्यू एन ए में मैं अकेला नहीं होने वाला हूँ, बल्कि मेरे कुछ दोस्त भी होने वाले हैं जो मेरे से वो सवाल पूछेंगे जो आपने सबसे ज़्यादा कमेंट में मुझसे पूछे थे। तो गाइस, बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है क्यू एन ए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं नोट हर्सू, इट्स रैक्स, नोट एट प्लेस एंड नोट रिवाल्स। तो सबसे पहले हम नोट हर्षू से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर्षू भाई, सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन बताओ जो लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट में पूछा हो। ओ सारिम भाई, तुम्हारे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आखिरकार तुमने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा करके रखा है। मतलब कि तुम कह रहे हो कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, रुको अभी बताता हूं। सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी भाई। तो गाइज, मैंने अभी इसको मार मार के अधमरा कर दिया है। ये वो क्वेश्चन पूछ रहा था जो इसको नहीं पूछना चाहिए था। एंड गाइज, ये क्वेश्चन आपने इतना ज्यादा पूछा है ना, हर दूसरा कमेंट इसी के ऊपर था। तो गाइज, अभी इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे रैक्स भाई। तो रैक्स भाई, वो क्वेश्चन पूछो जो सबसे ज्यादा पूछा गया था। सारिम भाई, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल यानी कि आपका रियल एज एंड आपका रियल नाम क्या है। तो गाइज, मेरा रियल नेम है सारिम एंड कुछ लोग मेरे को सरीम बोलते हैं, कोई समीर बोलता है। तो गाइज, मेरा रियल नेम सारिम है, सरीम मत बोला करो, सारिम बोला करो। एंड मेरी रियल एज है 14 इयर्स। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नोट एट प्लेस भाई, आप मेरे से वाला क्वेश्चन पूछो जो लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा हो। सारिम भाई, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आप कहाँ से हो। तो गाइज, आपने ये सवाल भी काफी ज्यादा पूछा है। तो गाइज, मैं हूँ दबंग लोगों के एरिया से, यानी यूपी से। हाँ गाइज, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नोट रिवाल्स भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमसे पूछो जो सबसे ज्यादा पूछा गया हो। तो सरीम भाई, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। नहीं भाई, मेरे टूथपेस्ट में भाई चीनी है, क्योंकि यार क्लोजअप मीठा मीठा सा लगता है। तो फिर गाइस, नमक किस में होता है? कोलगेट में तो चिकगम होती है, शायद डाबर रेड में होता होगा, लेकिन नहीं यार, उसमें तो मिर्ची होती है। तो नमक किस में होता है आप कमेंट में बता देना, हम उसको ट्राई जरूर करेंगे। ओके गाइज, जो हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। एंड अब मैं एक एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है शैडो किंग भाई ने। तो पहले तो उन्होंने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तो थैंक यू भाई। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो। तो मैं यूज करता हूँ कैपकट। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भाई, चीनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन, मोई मोई एसएमपी कब आएगी? तो गाइज, ऐसा है कि देखो, मोई मोई एसएमपी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जावा एंड पॉकेट एडिशन दोनों के लिए है, तो उसको हटा के सिर्फ पॉकेट एडिशन के लिए कर दिया जाए। एंड वो एक लाइफ स्टाइल एसएमपी है, तो उसको सर्वाइवल में कर दिया जाए। तो क्या ऐसा करना ठीक होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवनो टैक्स की तरफ से। तो पहले उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सारिम भाई, तो थैंक यू भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो, तो मैं यूपी से हूँ, मैंने बता दिया था पहले ही। सेकंड क्वेश्चन, आप कब से यूट्यूब पे हो? तो देखो, मेरा एक इससे पहले एक और चैनल था जिसपे 8K सब्सक्राइबर थे, पर वो गेमिंग चैनल नहीं था। एंड उस पर मैंने शॉर्ट डाल के 8K किए थे। तो मैं कम से कम 2-2.5 साल से यूट्यूब पर हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शियान ओपी की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान से हो? तो नहीं भाई, मैं इंडिया से हूँ। एंड दूसरा क्वेश्चन, क्या आप मुस्लिम हो? तो गाइस देखो, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं हूँ इंडियन। थर्ड क्वेश्चन, आपकी बर्थडे डेट? तो मेरी बर्थडे डेट है 8 मार्च। एंड फोर्थ क्वेश्चन, आपकी एज? तो मेरी एज है 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMPH की तरफ से। तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, तो थैंक यू भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, आपका रियल नेम? तो मेरा रियल नेम है सारिम, आपकी एज मेरी 14 है। आपका माइनक्राफ्ट के बाद में कौन सा गेम फेवरेट है? तो देखो, मेरा माइनक्राफ्ट से पहले एक गेम फेवरेट है जिसका नाम है GTA Vice City। तो मैंने इसको इतना खेला, इतना कोई गेम मैंने नहीं खेला। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फेस रिवील कब करोगे? तो यार, अभी तो नहीं होने वाला फेस रिवील, अच्छा सा सेटअप आ जाए मेरे पास फिर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीआर गेमर्स की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आपके तो स्पेसमेंट नेवर है? नहीं भाई, चीनी है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारी चड्डी का कौन सा कलर है और ब्रांड? रुको भाई, देख के बताता हूँ भाई, डॉलर का है एंड ब्लू कलर का। भाई कैसे सवाल पूछ रहे हो यार ये। तो तुम्हारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में देता हूँ वीडियो के आगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये कि डिड योर पेरेंट्स नो अबाउट योर यूट्यूब चैनल? तो यस भाई, मेरे पेरेंट्स को पता है मेरा यूट्यूब चैनल है, कभी कभी वीडियो भी देख लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MNMC ने, इन्होंने कहा कांग्रेस यार, तो थैंक यू भाई। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भाई, मेरे टूथपेस्ट में चीनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आपके कितने ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड है? तो देखो गाइज, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे इन तीनों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा है। एंड गाइज, इसमें कमाल की बात ये है कि ये तीनों ही मेरे फ्रेंड है। वाह भाई, मतलब अपना नाम बुलवाने के लिए वीडियो में तुम मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आलोक की तरफ से। तो इन्होंने पूछा है, आपका नेम क्या है, आप कितने साल के हो? मेरा नेम सारी, मैं 14 इयर्स का हूँ। एंड इन्होंने पूछा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? हाँ भाई, मतलब थोड़ा बहुत करती है, बाकी भाई जब यूट्यूब से पैसे वगैरह आने लगेंगे तो थोड़ा और करेगी।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है H2K टॉक्सिक के तरफ से। ये क्वेश्चन मेरे को लेना ही पड़ा क्योंकि इन्होंने ऊपर देखो क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तो भाई मैं यूपी में रहता हूँ। हाउ मैनी GF यू हैव, हाउ मैनी X यू हैव, क्रश नंबर प्लीज। भाई ये मेरे को लोंडियाबाद समझ रहा है। तो गाइस चलो आपको मैं इसका भी आंसर दे ही देता हूँ। तो देखो गाइस इस सब में कुछ भी नहीं रखा, आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है ना गाइस। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एंड यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि भाई इसको बनाने में 2-3 दिन का टाइम लग गया मेरे को। एंड हर्षु भाई आपको भी थैंक यू, एंड रैक्स भाई आपको भी थैंक यू, एंड नोट एट प्लेस भाई आपको भी थैंक यू, एंड नोट रिवाल्स भाई आपको भी थैंक यू हमारी वीडियो में आके हेल्प करने के लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।